क्यों किए जाते हैं लव जिहाद के दावे, क्यों मुस्लिम लड़के नाम बदलकर मिलते हैं दूसरी लड़कियों से और बनाते हैं संबंध, ऐसा करने पर क्या होता है मुस्लिम लड़कों के साथ, देखिए ये वीडियो। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर पिछले 24 घंटों से वायरल होना शुरू हुआ है। वीडियो में जो जानकारी आपको दिखेगी, जो कही जा रही है वो नहीं, वीडियो में लिखी हुई जानकारी है, अंत में आपको पूरा उसका एक ब्यौरा पढ़ने को मिलेगा। तो ये चाकन के संग्राम दुर का वीडियो बताया जा रहा है। इस वीडियो में आप देखेंगे मुस्लिम युवक, शुरू में वो युवक ही दिखता है, उसको पकड़ने वाले लोग दिखते हैं। वीडियो के अंत में दिखेगा आपको कि एक लड़की इसी मुस्लिम युवक की चप्पल से पिटाई कर रही है। तो पूरा वीडियो में जो मामला बताया गया है, युवक का नाम है सफर अदीब, उसका आधार कार्ड भी इस वीडियो में दिखाया जा रहा है जिसमें उसकी तस्वीर है और नाम दिखाई दे रहा है, और साफ पता चल रहा है कि ये एक हिंदू युवती के साथ यहां था और फिर कुछ स्थानीय लोगों ने इसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पूछताछ हुई, पूछताछ में इसने अपना नाम गुप्ता बताया, शुरू में कुछ और नाम बता करके अपना खुद का और सरनेम उसने गुप्ता बताया है। पूरा वीडियो देखिए। अब इसमें यह सवाल पैदा होता है, तो ऐसी घटनाएं होगी तो मुस्लिम समाज पर लव जिहाद के आरोप निश्चित तौर पर लगेंगे। मुस्लिम युवकों को क्या जरूरत है अपनी पहचान छिपा करके, अपनी पहचान अलग बता करके अन्य धर्म की, हिंदू धर्म की या किसी भी धर्म की लड़की से प्रेम संबंध या दोस्ती करने की। आप में अगर आप सही और सच्चे मुसलमान है तो आपको अपनी पहचान छुपाने की कोई जरूरत नहीं। महज एक दोस्ती अगर आप कर रहे हैं या आप प्यार भी कर रहे हैं तो आपको अपनी मजहबी पहचान, अपनी धार्मिक पहचान छिपाने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप अपनी धार्मिक पहचान छिपाएंगे तो आपकी नीयत में खोट दिखाई देगी और वो शत प्रतिशत रहेगी, और इसीलिए इस तरह की फिर घटनाएं होगी और आरोप लगेंगे। मुस्लिम समाज समूचा कटघरे में खड़ा होगा आपकी ये एक गलती की वजह से। ये वीडियो जो है मुस्लिम समाज की आंखें खोलने वाला वीडियो है एक तरह से अगर देखा जाए, क्योंकि जिस तरह से इस युवक ने काम किया है वो कतई समर्थनीय या उसकी किसी भी तरह से हम पक्ष लेकर के कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह का काम जो है वो शोभनीय ही नहीं, निंदनीय भी है। तो अपनी पहचान न छुपाए, आपको प्यार करना है तो असल पहचान के साथ करे, दोस्ती करना है तो असल पहचान के साथ करे। अपनी एक गलती की वजह से अपने समूचे समाज को मुजरिमों के कटघरे में खड़ा न करे। जी हाँ, ये एक ऐसा इस्लामिक वायरस है जिसकी वैक्सीन अभी तक नहीं बनाई जा सकी है। हिंदू बहन बेटियां आए दिन लव जिहाद का शिकार हो रही है। ये वायरस अब घातक रूप ले चुका है। अगर कोई हिंदू युवती इस्लामिक जिहादी की, तूने नाम क्या बताया मेरे को, नाम क्या बताया, सरनेम क्या बताया, गुप्ता तेरा नाम क्या है, झूठ क्यों बोला, तो क्यों बोला झूठ, झूठ क्यों बोला तू, गुप्ता क्यों बताया तूने नाम, तूने नाम गुप्ता, हाथ नहीं चले नंगा करेंगे तेरे को, हाथ नहीं चले तो बता गुप्ता क्यों, गुप्ता क्यों लगा, किसने पूरी बोला, मैं इतने को दौड़ा अभी तुझे किसने, चल रहे हाँ आरामखोर, या चाकणच्या किल्ल्यामध्ये पोरगी घेऊन बसला होता, याला मी नाव विचारलं, हात लावत नव्हतो व्यवस्थित, त्याला नाव विचारलं, तर नाव विचारल्यावर त्याने पहिले नाम क्या बताया, कबीर नाव सांगितलं, कबीर नाव सांगितलं, मी त्याला विचारलं कबीर नाव आहे तर आडनाव सांग, तर गुप्ता म्हणला हा मला, आता मी त्याला परत म्हणलं आय कार्ड दाखव, आय कार्ड दाखवायला म्हणला घरी आय कार्ड, बरं मी त्याला व्यवस्थित विचारलं, बरं एकदा नाव सांगतो मला तुझं, आय कार्ड दाखव, तर आय कार्ड दाखवाना, नंतर त्याचा मोबाईल चेक केला, मोबाईल चेक केल्यावर त्याच्यावर नको ती काय अवशेष दिसली, फोटो दिसले, मग त्याला आय कार्ड बघितल्यावर कळलं याचं नाव काय आहे, सफरुद्दीन काय आहे, काय सफरुद्दीन नाव आहे, हे बघा हे त्याचं आय कार्ड, हे का चालले, जे काही आहे ना हरामखोर लोक म्हणतात ना, असं काही नाही लव जिहाद वगैरे नाही, त्या हरामखोरांना ही उदाहरणं कधी कळणार आहे, नाही बाबा अजून पण लव जिहादच्या नावाखाली ही सुरुवात आहे, लव जिहादची सुरुवात, हे बघा खोट्या नावानी
पोरींना बळी पाडायचं, नंतर पळून न्यायचं, नको नको ते धंदे नंतर करायला लावायचे, या सगळ्या गोष्टी सामूहिकरीत्या चालू आहेत समाजात. काय करतोय आपण हे बघा. चप्पल न जमी मिली न फलक मिला है सफर में अंधा परिंदा, जिस राह की मंजिल नहीं वही खो गया होके गुमराह, हवा गांव की अब भी ढूंढ रही, बेबस आंखें ये धुंधली होती रही, न दुआ मिली न मिला खुदा, न समय मिली न फलक मिला, सफर में अंधा परिंदा, जिस राह की मंजिल नहीं वही को.